सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है और खुशबाश हैं। जनाब मैंने अपनी प्रीवियस अपनी जो वीडियो बनाई है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर को, उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की मेरी वीडियो है प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर। सेकंड ट्राइमेस्टर में आ जाता है आपको फोर्थ मंथ, फाइव मंथ एंड सिक्स मंथ। जैसे कि आपको पहले पता है कि प्रेगनेंसी के थ्री ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों तीन तीन महीनों पर डिवाइडेड होते हैं। पहले के बारे में डिटेल्स दे दी आपको मैंने, आज दूसरे के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी, बहुत सारी मेरी रिलेटिव्स को लीक में से पूछती हैं कि अच्छा अगर सेकंड ट्राइमेस्टर हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिलीव करते हैं, तो आज इसके तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन होगी, उसको कैसे डील करना है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में पैनाडोल तक नहीं खा सकते, कोई दवाई नहीं खा सकते हैं। जैसे ही मेरा प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी अम्मी की तरफ गई थी और लेटते लेटे सडन मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया था, मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम गए थे, जिसके बाद मेरा बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपनी जो मैंने अपने वेलकम बैक किया था प्रीवियस वीडियोस में, उसमें डिटेल्स दे दी थी कि वो क्या क्या रीजंस थे। चौथे महीने के अप्रॉक्सीमेटली मिड में जाके मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट आइडेंटिफाई हुआ, जिसको लेकर मैं लाहौर के बेस्टेस्ट हॉस्पिटल्स में भी गई हूँ। स्टार्टिंग के दो तीन लोगों ने, दो तीन हॉस्पिटल्स के जो गायनेस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कह दिया था कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, अगर तो हम आपकी सेहत को देखें, आपकी सेहत हमारे लिए पहले है, उसके बाद आपका बच्चा, डेफिनेटली आप है तो आपसे आपकी औलाद होगी। तो अगर आपके ब्लड क्लॉट को क्योर करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और शुक्र है कि ये टाइमली पता चल गया, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में देख बताया था, MRI हुई, लंबर पंचर हुआ और स्कैन मेरे A to Z सारे हो गए, बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि प्लेसेंटा मेरा ठीक था, बच्चे की ग्रोथ ठीक थी, हार्ट बीट सब कुछ ठीक था। लेकिन टेंशन वाली बात ये थी कि जो ब्लड क्लॉट है वो ब्रेन से ट्रैवल करता कहीं हार्ट में ना चला जाए, और जो मेरी स्पाइनल से उन्होंने मेरे लंबर पंचर किया था, बोन मैरो लिया था, उसने लिया गया था कि खुदा ना खास्ता ये कैंसर तो नहीं है, कोई ऐसी डिसीज तो नहीं जो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे, इन फ्यूचर आपको लाइक रिस्क में ले जाए, क्योंकि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खा किसी के साथ ऐसा हो, अगर वो कैंसर डायग्नोज होता है तो वो स्टार्टिंग में ही क्योर हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, अगर वो की फोर्थ स्टेज पे चले जाए तो ऑलमोस्ट चांसेस जीरो हो जाते हैं। बहरहाल क्लॉट का सारा मामला मेरा डील हुआ, एंटीबायोटिक लगी, इस दौरान में मेरा नौजिया, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फर्स्ट फाइव मंथ्स तक मुझे नौजिया रहा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो रहा लेकिन फर्स्ट फाइव मंथ्स तक मैं अच्छी डाइट नहीं ले पा रही थी, मैं फ्रूट्स खा रही थी, मैं कुछ भी खा रही थी, गर्मी बहुत थी, मई का महीना था जब जिन दिनों ये मेरे सारा सब प्रॉब्लम्स चली क्लॉट वाली, जैसे पानी का सिप लगाती थी वोमिट हो जाती थी, जैसे कुछ खाती पीती थी वोमिट हो जाती थी, फर्स्ट फाइव मंथ्स मेरे लाइक जहन्नुम जैसे रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा वो मैंने आपको बता देते कि कैसे आपने बिस्किट खाना है निहार मुँह और आपकी वोमिट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। फिर क्लॉट मेरा रिकवर हुआ, घर आ गया तो स्पाइनल में इस कदर तकलीफ थी, इस कदर पेन थी कि मैं, मुझे लिटरली वो फील आ रहा था कि जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है और मैं चल फिर खुद नहीं सकती हूँ। वो टाइम मेरे लिए वो था कि जैसे मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि आप खुद चल फिर नहीं पा रहे थे, आप खुद खा पी नहीं पा रहे थे, ऑल दो आप खुद वॉशरूम तक नहीं ट्रेवल कर पा रहे थे, एक ही कमरे में रहते हुए आप अपने कमरे के इर्द गिर्द नहीं चल पा रहे, अपने वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे, उसके लिए भी आपको हेल्प लेनी पड़ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड टाइम था, बहुत ज़्यादा कह लें कि तकलीफ वाला टाइम था। लेकिन आपको एक जादुई आया बताऊँ, एक जादुई सूरह बताती हूँ मैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में कह रही थी कि मुझे नाम नहीं याद है, सूरह मरियम, मुझे सब फ्रेंड्स ने कहा था कि इसको पढ़ो, इसका जादू ही है, मतलब जादू की तरह काम करते हैं और अल्लाह के कलाम में तो बेशक बहुत ज़्यादा ताकत है। मैंने सूरह मरियम की तलावत शुरू की, बला ना कर रूटीन में अक्सर कोशिश करती थी, दिन में दो दफ़ा पढ़ लूँ, कभी कोशिश करती थी एक बार पढ़ लूँ, कभी करती थी जब नमाज पढ़ूँ साथ पढ़ लूँ, कभी एक बार पढ़ती थी, कभी दो दफ़ा, कभी तीन चार दफ़ा भी पढ़ लेती थी। लेकिन मैं आपको सच में बताऊँ, इससे वाकई मिरेकल हुआ है, जो मेरा केस था वो बचने वाला नहीं था, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, दोनों के लिए डेड चांसेस थे, जीरो चांसेस थे, मतलब बहुत बड़ा एक सर्कल था कि आप लोग नहीं बच सकते। लेकिन वो कलाम की जो अल्लाह पाक की जो बरकत होती है ना अल्लाह के नाम की, उसने करम कर दिया, अल्लाह की ब्लेसिंग ने खास करम कर दिया, तो आप लोग भी इस जादुई, मैं जो जादुई मिरेकल कहती हूँ इसको मिरेकल है, बेशक अल्लाह के नाम में तो बहुत 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 शफाई सारी उधर है। तो अच्छा और क्या होता है आपको प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आपकी लेग्स में पेन होता है, चूँकि बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तो आपके लोअर बैली में फील पेन होता है, आपने बहुत नॉर्मली लेना है, आपने ये नहीं कहना कि लोअर बैली में पेन है तो मैं क्या करूँ, ये तो अभी विद टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। आपकी बैकबोन में शदीद पेन होता है, आपको हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा होता है,
आपको हार्ट बर्न के लिए, मैं हार्ट बर्न के लिए क्या करती थी, मैं अपने हार्ट बर्न के लिए मैं सिट्रो सोडा साशी हैं, अगर आप लोग इस ट्राइमेस्टर से गुजर रहे हैं फिर गायनी से पूछ के सिट्रो सोडा साशी आते हैं, बिल्कुल छोटा सा साशी होता है जैसे बाकी ORS वगैरह या फिर राइसिक वगैरह होते हैं, इस तरह का सिट्रो सोडा साशी है उसका नाम है, मेरे पास पड़ा नहीं बना मैं स्क्रीन शॉट दे देती, उसको लेना आपने, आधा ग्लास पानी लिया उसमें घोल के उसको अपने पी लेना है, वो आपकी जितनी हार्ट बर्न हो रही है या स्टमक में बर्निंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी। सेकेंडली मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं पाँव के नीचे वाली जो कहते हैं ना पाँव की तल क्या कहते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन जो पाँव का नीचे वाला लोअर हिस्सा होता है ना पंजा होता है वहाँ पे तेल से, गर्म तेल से, नीम गर्म तेल से मसाज करें वो बहुत सुकून मिलता है। अच्छा कुछ लोगों को ये होता है कि प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा नीचे होता है, जैसे कि मेरे साथ ये था, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी, मैं ज़मीन में जो टॉयलेट था उस पर नहीं बैठ सकती थी, कमोड मेरे लिए रिकमेंडेड था वो ही यूज़ करना था मैंने, तो मैं वो यूज़ नहीं कर सकती थी, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जिनका प्लेसेंटा नीचे होता है उनके लिए क्या है कि आपने अपनी टांगों के नीचे 3 से 4 पिलो रखने हैं अपनी थाई के नीचे और 2 पिलो रखने हैं अपने पाँव के नीचे, और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा अपसाइड करना है और बैली को थोड़ा सा लाइक एक ना यू स्लाइड शेप में आना है आपने, इससे ये होता है कि आपका प्लेसेंटा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यू फील वेरी रिलैक्स्ड। अच्छा इसके साथ और क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे फील होता है, मेरा ब्लड प्रेशर ये काफ़ी ऊपर नीचे होता था मेरे साथ, और डाइट इतनी खास नहीं ले पा रही थी, इसकी वजह से भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वीकनेस, और मैं हर दिन बिल्ला नागा हॉस्पिटल जाती थी, मैं घर मतलब मेरा दूसरा घर जो था वो मेरा हॉस्पिटल था, वो पूरे टेन्योर के लिए 8-9 महीने के लिए मेरा सेकेंड होम मेरा वो हॉस्पिटल था जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, और वो हॉस्पिटल लास्ट डेज में वो हॉस्पिटल हो गया था जहाँ से मेरी मेरा ऑपरेट हुआ, तो मैं कभी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जा रही हूँ। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने डिफरेंट क्रीम्स दी थी, या शायद यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता था, बट सब ट्रीटेबल है, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं, हर चीज़ का इलाज है। और मैं ये तमाम वीडियोज़ इसलिए आपको शेयर करी ताकि मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाएगी तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, इसीलिए मैंने सोचा है कि प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स उसकी सोल्यूशन और उसके हल को मैं आपको बताऊं। अगर आपको प्रेगनेंसी में सिस्ट होती है, आपके कोई एक दो अल्लाह ना करे किसी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी या बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड भी हो, नॉर्मल सी हो, बट इन केस अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ईजिली डील हो जाती है। तो इस तरह करते 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 हाँ जैसे मेरा 6 मंथ स्टार्ट हुआ था, लाइक आई फील लाइक मैं हेवन में हूँ, मैं जन्नत में हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ, पाड़ रही हूँ, मैं तो ये फ्रूट खा रही हूँ, ये जंक खा रही हूँ, ये सब कुछ खा रही हूँ। वो कहते हैं कि मोस्टली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है आपका हनीमून होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, खा पी सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, बट मेरा 6 मंथ मेरे लिए ऐसा था, और तब मैंने अपना प्रॉपर खाना पीना शुरू किया और फिर मेरा वेट तेज़ी से गेन होना शुरू हो गया था। सो ये कुछ छोटी सी मतलब माउंटेन टाइप कभी ऊपर नीचे की स्टोरी थी मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सो होपफुली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और जो मैं अगली वीडियो बनाने वाली हूँ मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड में बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठंडे ठंडे अंदर से ठा 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 टुचुम टुचुम ये शुरू हो जाती है बेबी की तरफ से, कहते हैं अगर बेबी गर्ल हो तो ज़्यादा होता है, बॉय हो तो कम होता है, वर्ल्ड नोज बेटर, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन मिन्नू थे बड़े कुछ मौके पर बहुत बैठे बैठे ऐसे हो जाती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये बड़ा मज़े का फेज़ है। बहरहाल ये मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थर्ड की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ वॉक्स हैं, कुछ योगा करने के लिए उसमें है, क्या खाना है, क्या एहतियात करनी है, इस सब थर्ड में बताऊंगी, थर्ड के लिए स्टे ट्यून। और जाते जाते चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो जी, बाबी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपना ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स का मुझे बताएं, प्रेगनेंसी से रिलेवेंट मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। हाँ ये तो मैं बताना भूल गई कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन होते तो उसका इलाज कैसे करना है, ओ सॉरी जाते जाते बता दूँ, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, इसमें घोल के छिलका लेना है, पानी में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और दिन में 2 से 3 ग्लासें पी जाने हैं, 2 से 3 दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन चली जाएगी। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत शदीद कॉन्स्टिपेशन रहती थी, 8-8 दिन भी मुझे कॉन्स्टिपेशन रही है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान होती थी, मेरा पेट स्वेल हो जाता था और मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ, और क्योंकि प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बियर नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे किसी ने बताया था कि आप इसको गोलगा छिलका लेके पानी में डाल के 2-3 दफ़ा दिन में पी लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, और अगर उससे फर्क नहीं पड़े तो अपनी गायनी से डिस्कस करें, कुछ ना कुछ आपको देगी उससे रिलेवेंट, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अपना रखें ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मुलाकात होगी थर्ड ट्राइमेस्टर की वीडियो के लिए,
वीडियो जरूर देखिएगा।